नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 चैनल RF रिमोट कंट्रोल सर्किट का अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। सीसा ब्रांड का ये प्रोडक्ट है, अमेज़न से मैंने परचेज़ किया है और आज ही मुझे ये रिसीव हुआ है। ठीक है, मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखा रहा हूँ, साथ ही मैं इसको पूरी तरह से ओपन करके अंदर का सर्किट भी आपको दिखाऊँगा कैसे ये वर्क करता है और किस टेक्नोलॉजी पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने अमेज़न की पैकिंग तो खोल ली है, अभी आपको अंदर जो है बॉक्स दिखाई देगा, सीसा इंटेलिजेंट लाइटिंग कंट्रोल। ओके, देखते हैं कितना इंटेलिजेंट है ये। ठीक है, तो इसे मैं ओपन करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं सिंपल सी ब्रांडिंग है इसकी, बहुत ही अच्छी सिंपल सोबर लुकिंग और पैकिंग है। ओके, तो चलिए मैं इसको जो है यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि इसमें क्या मिलता है हमको, एक सिंपल पॉलीपैक में जो है ये सर्किट आया है, साथ में इसके साथ बैटरीज भी आई है दो। ठीक है, इसके रिमोट में लगेगी ये बैटरीज। ओके, तो देखिए मैंने दो रिमोट हैंडसेट वाला प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ये इसके स्टैंड के साथ आता है। ओके, ताकि इसको वॉल माउंट किया जा सके रिमोट को। दो रिमोट लेना सही है, क्योंकि अगर एक भी रिमोट ख़राब हो जाता है तो फिर ये सिस्टम किसी भी काम का नहीं, क्योंकि इसका रिमोट मार्केट में नहीं मिलेगा। ओके, दो रिमोट, दो बैटरीज। बैटरीज जो है वो थोड़ी सी स्पेशल है, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में। ये इसका मेन कंट्रोल यूनिट है, आप देखेंगे यहाँ पर एक एंटीना है, ये एक आरएफ सिस्टम पे वर्क करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे। ओके, यहाँ पे इसकी वायरिंग है बहुत ही सिंपल है, ब्लैक जो है दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे और रेड जो है इसका लाइव वायर या फेस आप समझ लीजिए, और ये चार जो है चार आउटपुट रहेंगे चार डिवाइसेस के लिए। ओके, तो बहुत ही सिंपल इसकी वायरिंग रहेगी। ऑफ कोर्स सर्किट डायग्राम इसके ऊपर भी बना हुआ है और इसके साथ जो पेपर आया हुआ है उसमें भी मिल जाएगा। ओके, देखिए चारों डिवाइस पे आप अलग अलग CFL बल्ब, ट्यूबलाइट या फ़ैन या जो भी जोड़ना चाहे जोड़ सकते हो। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पर जो है आप इसकी ब्रांडिंग देख सकते हैं, सीसा। ठीक है, और डिजिटल रिमोट कंट्रोल स्विच, और यहाँ पे आप इसका सर्किट देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वायरिंग इसकी करनी है। ठीक है, वायरिंग भी मैं करके बताऊंगा आपको इस वीडियो में। 220 वोल्ट पर ये वर्क करेगा डेफिनेटली, और 220 वोल्ट के लोड को ये वर्क करवा लेंगे। इसमें जो रिलेज लगे हुए हैं उनका भी हम रेटिंग देखेंगे, अंदर खोल के सर्किट को भी पूरा समझेंगे। ओके, तो 220 वोल्ट 50 या 60 हर्ट्ज पर यह वर्क करेगा। ओके, देखिए ये एक हैवी ड्यूटी नहीं है, आप इसके ऊपर जो है रेफ्रिजरेटर या फिर AC जैसे डिवाइसेस नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ फ़ैन ट्यूबलाइट वगैरह आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिमोट में जो है बैटरी लगाएंगे 12 वोल्ट की। ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है जो इसके साथ आती है, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये स्पेशल बैटरीज है, ये हर जगह नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना, अगर आप किसी विलेज वगैरह या रिमोट एरिया में रहते हैं वहाँ पर ये बैटरीज नहीं मिलेगी आपको, किसी शहर में ही आपको परचेस करनी पड़ेगी किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, या ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो थैंक्स, यहाँ पर जो है इस सर्किट के साथ बैटरीज आई है, अगर नहीं आती तो मैं परेशान हो जाता इसके लिए सही में। ठीक है, तो अभी इन बैटरीज़ को मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। देखिए इस बैटरीज़ में प्लस और माइनस का सिंबल दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ स्प्रिंग है वहाँ पर माइनस रहेगा और पॉजिटिव वाला जो है उसके अपोजिट में हमें लगाना है। ठीक है, तो ये रिमोट में बैटरीज हमने लगा दी है। ठीक है, थोड़ा सेट कर लेते हैं इसको। ओके, अब इसके बाद इसको वापस जो है आप देखेंगे कि यहाँ जो बटन दबा रहा हूँ तो इसमें रेड कलर का लाइट चल रहा है, मतलब लाइट इंडिकेटर है रिमोट के अंदर, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम जिस ट्रांसमीटर से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं बटन दबा रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट लाइट इंडिकेटर चलता है तो हमें पता चलता है कि हाँ ये डिवाइस सही है, इसने सिग्नल भेज दिया है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा है, और इसकी रेंज भी हम चेक करेंगे और इसको चला के भी देखेंगे। ठीक है, और चलिए ये एक रिमोट तो हमने तैयार कर लिया है, अब जो है इसके कंट्रोलर की तरफ चलते हैं। देखिए इसका जो है ये वॉल माउंटिंग साथ में आएगा जो बहुत ही अच्छा रहेगा। दो डिवाइसेस से, दो रिमोट से फ़ायदा ये रहेगा कि एक को हम जस्ट स्विच बोर्ड पर ही लगा देंगे और दूसरे को कहीं भी रिमोटली हम इधर से इधर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो मेन कंट्रोल यूनिट है, इस कंट्रोल यूनिट को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी छोटा पैकिंग इसने बनाया है और ये स्विच बोर्ड के ऊपर बाहर की तरफ ही माउंट हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, सबसे पहले तो अपन इसको यूज़ बाद में करेंगे, पहले इसको इसकी भी अनबॉक्सिंग कर डालते हैं। ठीक है, तो इसको खोल कर इसकी वायरिंग को समझने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका देखिए ये बैक पैनल हटाया हमने और ये सर्किट पूरा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसका पूरा सर्किट है, देखिए चार रिलेज लगे हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल 12 वोल्ट के रिले हैं ये, और इसका जो ये पावर सप्लाई सेक्शन है ना, ये देखिए RC ड्रॉपर टाइप का सर्किट बना हुआ है, और मेन जो सर्किट है दोस्तों ये रहा यहाँ पर। ठीक है, ये छोटा सा चाइना का प्लेट आपको दिख रहा है ना, ये इसका जो है मेन RF सर्किट है, RF से जो सिग्नल आ रहा है। ठीक है, और जो रिले सेल्फ लॉकिंग सर्किट है वो पूरा यही है। ठीक है,
अब ये सर्किट है और आई होप ये चाइना ही है, तो कब तक चलेगा इसका कह नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ ये अच्छा चलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैंने दूसरा पीस भी मंगाया है। चलिए तो ये इसका पावर सप्लाई सेक्शन है, और ये जो पावर सप्लाई सेक्शन है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, किस तरह से इसे बनाना है। हम इसको पूरा रिवर्स इंजीनियर करके पूरा सर्किट बनाना सिखाऊंगा आगे किसी आने वाले वीडियो में। फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर 12 वोल्ट की ये रिलेज लगी हुई है, ठीक है, और ज़्यादा हैवी ड्यूटी रिले है नहीं है, ठीक है, तो 6 एम्पियर तक का आप लोड इस पे दे सकते हैं आसानी से। ओके, और यहाँ पर देखिए रिले ड्राइवर सर्किट भी जो है यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, इसी प्लेट पर। ये देखिए छोटे छोटे ट्रांसिस्टर दिख रहे हैं आपको, ये ट्रांसिस्टर रिले ड्राइवर सर्किट के, ठीक है, रिले ड्राइवर सर्किट भी इसी प्लेट पर बना हुआ है पूरा, केवल इस बड़ी पीसीबी के ऊपर रिलेज लगे हुए हैं और ये पावर सप्लाई सेक्शन बना हुआ है, बाकी सब कुछ छोटी सी हरी पीसीबी के ऊपर है, ठीक है। चलिए, काफ़ी कॉम्पैक्ट है ये, बिल्कुल मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा सा मैं आपको इसके बेनिफिट्स और इसके नुकसान बता देता हूँ। देखिए ये जो रिमोट कंट्रोल सर्किट है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ठीक है, और इसमें जो पावर सप्लाई है वो RC ड्रॉपर टाइप की है, तो हम कह नहीं सकते हैं कब तक चलेगी और हाउ लॉन्ग इट विल वर्क, बट बता देता हूँ एक और चीज़ जो इसमें खामी है वो देखिए, इसका जो रिमोट है ये RF पे वर्क करता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, RF पे वर्क करता है, यूनिडायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन से ऑपरेट कर पाएंगे, लेकिन इसके साथ जो ये दो रिमोट आए हैं ना, इन्हीं से ही ऑपरेट होगा। अगर ये रिमोट ख़राब हो गया तो ये किट किसी भी काम का नहीं है, हमें फेंकना पड़ेगा। ओके, तो दो रिमोट वाला किट इसीलिए मैंने परचेस किया है ताकि हम जो है एटलीस्ट एक को तो मैं सेव कर लूँगा अगर एक डैमेज हो भी जाए तो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए जो सर्किट है, सर्किट का वायरिंग बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको कितना छोटा बनाया है इन्होंने, पहले ये देख लेते हैं। ओके, देखिए ये 4 रिले का जो मॉड्यूल है, ठीक है, ऑल्दो ये भी बहुत छोटा होता है, लेकिन ये पूरा सर्किट जो है आप देख सकते हैं 4 रिले का जो ये चाइना वाला मॉड्यूल है इससे भी छोटा है, ठीक है, मतलब इससे भी ज़्यादा पास में इसके रिलेज लगे हुए हैं। इवन रिले के जो कनेक्टर होते हैं PCB वायर कनेक्टर, वो लगाने की भी इसमें जगह नहीं थी, डायरेक्ट इसमें वायर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, तो काफ़ी से काफ़ी छोटा किया गया है, ठीक है, काफ़ी दिमाग तो लगाया गया है इसको छोटा कॉम्पैक्ट बनाने के लिए। अभी देखिए इसको वापस हम यहाँ पर पैक कर देते हैं, और अब इसकी एक बार हम जो है वायरिंग करके टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इस तरह का सर्किट अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाया जाए, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छी बात मैंने आपको बता दी कि एक तो ये RF पे वर्क करता है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन पे रख के हम रिमोट का बटन दबाएंगे ये वर्क करेगा, ठीक है। और दूसरी बात जो इसकी खामी थी कि ये इन्हीं रिमोट से चलेगा, क्योंकि रिमोट में भी एक माइक्रो कंट्रोलर है जो ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल, और दूसरा माइक्रो कंट्रोलर इस डिवाइस में है जो उसको रिसीव करेगा, ठीक है, तो रिमोट भी माइक्रो कंट्रोलर वाला है। अगर रिमोट ख़राब हो गया तो ये रिमोट मार्केट में नहीं मिलेगा, और अगर जो मिलेगा भी वो इसके साथ पेयर नहीं होगा, ट्यून नहीं होगा। ओके, तो सावधानी रखिएगा, दो रिमोट वाला ही परचेस कीजिएगा, वही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपको, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको इसका कनेक्शन करना बता देता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने 4 बल्ब लिए हैं, और अब इन 4ों बल्ब को जो है हम कनेक्ट करने वाले हैं इस कंट्रोलर यूनिट से, ठीक है। अभी रिमोट को हटा देते हैं, और देखिए ये हमारा कंट्रोलर है, और इस कंट्रोलर से देखिए ये एक AC कॉर्ड लेंगे, ठीक है, 220 वोल्ट डायरेक्टली इसको दिए जाएंगे। ओके, तो ये रेड वाला जो है लाइव है, और येलो को हम जो है न्यूट्रल मान लेते हैं, तो ये जो रेड वाला है इस वायर से जोड़ देंगे लाइव वायर से। ओके, इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है ये येलो वाला वायर है इसे कनेक्ट कर देंगे इस ब्लैक वाले वायर से, इसे न्यूट्रल का वायर हम कहेंगे, ठीक है, किसी भी एक ब्लैक से जोड़ देंगे। ओके, अब हमें जो है लोड कनेक्ट करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, लोड के रूप में मैं केवल 4 बल्ब यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, देखिए हर एक बल्ब में मैंने 2 वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, एक ब्लू और एक ब्लैक, तो ब्लैक को हम इसका न्यूट्रल समझ लेंगे, और जो ब्लू है उसे हम लाइव वायर समझेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो ब्लू वायर था मैंने एक वायर से ब्लू से ही कनेक्ट कर दिया। ओके, और ये जो ब्लैक है इसे मैं डेफिनेटली यहाँ पर जो न्यूट्रल का वायर है ये इससे कनेक्ट कर दूंगा। ओके, तो अभी जितने भी न्यूट्रल के वायर होंगे सारे इस ब्लैक से कनेक्ट होंगे, सभी बल्ब के न्यूट्रल के वायर इस ब्लैक कलर के वायर से कनेक्ट होंगे, और सभी बल्बों के लाइव वायर यहाँ पर जो 4 वायर दिख रहे हैं आपको, येलो वाइट ब्लू और ग्रीन, इनसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 जो है सारे वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है, हर एक बल्ब का जो लाइव वायर है इन 4 वायर्स में से कनेक्ट किसी एक पर कनेक्ट करना रहेगा हमें, तो मैं यहाँ पर ये कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 2 वायर तो हो चुके हैं, सॉरी 2 बल्ब तो हो चुके हैं कनेक्ट,
अब तीसरा बल्ब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे कि इसका भी ये ब्लैक वायर है सेम, इसे भी मैं यहाँ पे न्यूट्रल पे जोड़ता हूँ, और जो ब्लू वायर है डेफिनेटली वो यहाँ पर जो आउटपुट की लाइन का वायर है उस पर मैं जोड़ दूँगा। ओके, तो इसी तरह से हमें कनेक्शन करना। देखिए कनेक्शन बहुत ही सिंपल है इसमें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो इसमें मिसिंग रहेगा, इसमें जो है मेमोरी नहीं है, मतलब प्रीवियस स्टेट सेव नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने ये किट लगा रखा है हमारे घर में और लाइट्स चली जाती है, ठीक है, तो मान लीजिए लाइट्स जाने से पहले अगर फ़ैन हमारा ऑन था तो लाइट्स वापस आने पर हमको सारे डिवाइसेज ऑफ़ मिलेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा इवन कि लाइट्स वापस आई है या नहीं, ठीक है। तो ये इसमें मेरे को थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा कि एटलीस्ट इसमें ईईपी रोम मेमोरी होनी चाहिए थी, ठीक है। और चलिए अभी ये चारों वायर हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है, एक वायर लास्ट बचा हुआ है तो मैं इसे वाइट से कनेक्ट कर देता हूँ लास्ट बल्ब को। ओके, तो यहाँ पर हमारे चार बल्ब कनेक्ट हो चुके हैं। वायर्स को थोड़ा सा दूरी पर रख देता हूँ ताकि आपस में शॉर्टिंग ना हो। ये सारा लूज़ वायरिंग है अभी, और ओपन वायरिंग है, एक दूसरे से टच भी हुआ तो धमाका हो जाएगा। चलिए अब 220 वोल्ट एसी का मैं इसको पावर देता हूँ, और देखिए हमें पता भी नहीं चला कि पावर इसमें ऑन हो गया है। ओके, तो ये इसका ड्रॉबैक, एटलीस्ट कोई पावर इंडिकेटर तो होना था जिससे पता चले कि इस डिवाइस को पावर मिल चुका है। चलिए यहाँ पर मैं ए नंबर का बटन दबाया, देखिए ये रेड वाला चला है, ठीक है। बी नंबर से ये सीएफएल चला है, सी एलईडी चला है, और सी से कोई बल्ब नहीं चल रहा है, इन दोनों में से कोई एक बल्ब होगा। और डी से ये चल गया ऑरेंज, मतलब सी से ये चलना चाहिए था, और डियर ये बल्ब ख़राब है, ठीक है। चलिए इस बल्ब को रिप्लेस कर देते हैं हम। इसको बल्ब को रिप्लेस करने के बाद यही बल्ब भी ख़राब निकला, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा बल्ब ये यहाँ पर लगा दिया है, ये भी एलईडी टाइप का रिपेयर किया हुआ बल्ब है मेरा। चलिए देखिए अभी ये ए बी सी डी चारों बल्ब ऑफ हो गए। ओके, ए बी और ये सी और ये डी, ठीक है, चारों बल्ब ऑन हो गए। तो यहाँ पे सभी को एक साथ ऑन ऑफ़ करने के लिए भी बटन है, और इंडिविजुअली एक एक को ऑन ऑफ़ करने के लिए भी मेरे पास बटन है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सर्किट है ये, काफ़ी अच्छा, दाम भी इसका बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मैंने इसको 750 रुपीज़ में लिया है दो रिमोट के साथ। तो दो रिमोट के साथ लेना ही इसको बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर एक रिमोट खो गया या टाइम पे नहीं मिला तो हम उस चीज़ को कभी ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा दो रिमोट के साथ परचेस कीजिए, एक को स्विच बोर्ड पर ही माउंट कर देंगे, दूसरा हमारा जहाँ भी सिटिंग एरिया है वहाँ पे आप रखेंगे ताकि आप उसको ऑपरेट कर पाएँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सर्किट है, आपने देख लिया कैसे कनेक्शन करना है। आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा इस तरह का कंट्रोलर कैसे बनाना है, ठीक है, और इस तरह का रिमोट भी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कैसे बनाना है, और चार की बजाय हम 8 चैनल पर बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ में ईईपी रोम भी लेंगे डेफिनेटली। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।